अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कूलिंग स्ट्रीट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे किसी भी यूज़र को वाईफाई से ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पेशली हवावे की डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जोंग 4G, बोल्ट प्लस या फिर कोई भी और डिवाइस सच एज लाइक दीज डिवाइसेस, अगर आप इनमें से कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आप वाईफाई से किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्टेड है, तो आप उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके न्यू वीडियो की अपडेट्स आती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने एड्रेस में या एड्रेस बार में 192.168.8.1 ये एड्रेस लिखना है। इसके बाद इंटर कर देना है। जो ही आप इंटर करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो ऊपर लिखा हुआ है राइट, एडमिन पैनल, लॉगआउट। यहाँ पे अपने लॉगिन, अगर आप लॉगिन नहीं हुए तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास लॉगआउट का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है वो स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। अभी अगर आप होम में हैं तो यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके पास करंट यूज़र जो हैं वो 2 हैं। इसके साथ जितने भी कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अपने स्टेटिस्टिक्स पे जाना है। यहाँ से अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास करंट कनेक्टेड वायरलेस लैंड क्लाइंट्स आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो अभी मेरे पास 2 कनेक्टेड हैं। एक मेरा PC है जो कि स्कूलिंग स्ट्रीट के नाम से है, सेकेंड मेरा मोबाइल फ़ोन है, उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो इसको हम ब्लॉक करके ओके कर देते हैं तो ये सक्सेसफुली ब्लॉक हो चुका है। अगर हम देखें तो ये ब्लैक लिस्टेड में शो हो चुका है। यहाँ से आपके पास इसका मैक एड्रेस भी आ रहा होगा, उसको भी आप फेच कर सकते हैं। अब अगर आप ब्लैक लिस्ट को या फिर जो भी आपने ब्लॉक किया है क्लाइंट वाईफाई से, उसको अगर अनब्लॉक करना है या फिर ब्लैक लिस्ट से ख़त्म करना है तो आप सिंपली डिलीट पर क्लिक कर दोगे। अगेन सेटिंग्स ओपन करके स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे और यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में वो यूज़र शो होगा, और यहाँ से आपने इसको डिलीट करके ओके का बटन प्रेस कर तो ये डिलीट हो जाएगा और इस तरह वो दोबारा आपके वाईफाई मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड हो सकेगा। जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन तो जो था वो डिसकनेक्ट हो चुका था, जब अगेन कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आप किसी को भी ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।